दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि एंजल वन में अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज क्या होता है, यह चार्ज कितना लगता है और इस चार्ज को कैसे चेक करते हैं। यह सब इस वीडियो में कवर किया जाएगा, तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त मनीष और वेल्थ पुल चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज क्या होता है। अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज एक शुल्क होता है जिससे डीमैट अकाउंट को बिना किसी प्रॉब्लम के कंटिन्यू रखने के लिए ब्रोकर हमसे ये चार्ज लेता है। ये जो अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज है वह एंजल वन में हर महीने फिक्स चार्ज लगता है। तो चलिए अब हम जानते हैं ये चार्ज हर महीने कितना लगता है। अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज हर महीने 20 रुपए प्लस GST लगता है। GST को मिलाकर कुल 23 रुपए 60 पैसे चार्ज लगता है। ये चार्ज हर महीने कंटिन्यू लगता रहेगा। डीमैट अकाउंट में शेयर्स बाय करने के बाद 23 रुपए 60 पैसे कम से कम फ्री अवेलेबल रहने चाहिए जिससे अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज इजीली कट हो सके। अगर आप अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज का अमाउंट फ्री नहीं रखते हैं तो ये चार्ज आप पर कंटिन्यू पेनल्टी के रूप में लगता रहेगा। अगर आप एनुअल मेंटेनेंस चार्ज को पे नहीं करते हैं तो आपके साथ क्या हो सकता है, ये जानने के लिए डिस्क्रिप्शन और आई बटन में दिया गया वीडियो देखिए। तो चलिए अब हम जानते हैं ये चार्ज एंजल वन में कहाँ चेक कर सकते हैं। इसके लिए आपको एंजल वन ऐप ओपन करना है, उसके बाद यहाँ 3 लाइंस पर क्लिक करके रिपोर्ट्स पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ आपको सिक्योरिटी होल्डिंग्स, ट्रांजेक्शनल रिपोर्ट्स और रिसर्च रिपोर्ट्स का ऑप्शन मिलेगा, आपको ट्रांजेक्शनल रिपोर्ट्स पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ रिपोर्ट टाइप में लेजर रिपोर्ट सेलेक्ट करना है, यहाँ सेलेक्ट सेगमेंट में ऑल सेगमेंट्स को सेलेक्ट करना है, यहाँ फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट कीजिए। उसके बाद यहाँ 2 डेट्स दी हुई है, आपको जिस टाइम ड्यूरेशन की रिपोर्ट देखनी है उस टाइम को सेलेक्ट कीजिए। अगर आपको लास्ट 10 ट्रांजेक्शंस का स्टेटमेंट देखना है तो व्यू टेक्शंस पर क्लिक कीजिए। पूरी लेजर रिपोर्ट को डाउनलोड करने के लिए ईमेल रिपोर्ट्स पर क्लिक करके 5 मिनट में मेल आईडी से लेजर रिपोर्ट डाउनलोड कर सकते हैं। मैं यहाँ व्यू टेक्शंस पर क्लिक करके लास्ट 10 ट्रांजेक्शन में अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज चेक करूंगा। उसके बाद यहाँ डीमैट अकाउंट मंथली मेंटेनेंस चार्जेस के नाम से यहाँ ट्रांजेक्शन दिया हुआ है, इसमें 23 रुपए 60 पैसे एनुअल मेंटेनेंस चार्ज के कट हुए हैं। यहाँ पर कौन कौन से चार्जेस लगे हुए हैं और इन चार्जेस को कैलकुलेट कैसे करते हैं, इसे डिटेल में समझने के लिए डिस्क्रिप्शन और आई बटन में दिया गया वीडियो देख सकते हैं। और हाँ दोस्तों, शेयर मार्केट से रिलेटेड डाउट पूछने के लिए बिगनर्स का टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए, टेलीग्राम ग्रुप कुछ टाइम के लिए फ्री है। अगर आप अपने ब्रोकर के चार्जेस से परेशान है तो बिगनर्स के लिए डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में बेस्ट ब्रोकर सजेस्ट किया हुआ है, वह डिस्काउंट ब्रोकर है, चार्जेस भी कम है और हिडन चार्जेस तो बिल्कुल भी नहीं है। एंजल वन में लेजर स्टेटमेंट कैसे पढ़ते हैं यह सीखने के लिए लेफ्ट वाली वीडियो देखिए। आपके लिए कौन सा ब्रोकर बेस्ट रहेगा यह जानने के लिए राइट वाली वीडियो देखिए। धन्यवाद।